हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश पाटिल। वेलकम टू मैथ्स क्रिएटर। जैसा कि हम मेथड ऑफ इरेशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इसके ऊपर टू एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे। आज मैं तुम्हारे सामने सेवन एग्जांपल लाया हूँ। ये सातों के सातों एग्जाम्पल जो है पूरे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो आज इनमें से हम एनी थ्री एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेवन के सेवन एग्जाम्पल्स पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम एनी थ्री एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। इन ब्रैकेट डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ इरेशन ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, वही एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, वही बोल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। इन ब्रैकेट डी स्क्वेयर प्लस टू डी प्लस वन वाई इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ इरेशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वैसे ही हम सिमिलरली वही मेथड रहती है, जो गिवन है वो दिया है, वो लिख लिया, जो गिवन था हमें वो लिख लिया, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डी बोलते हैं, वो आई एज इट इज़। और इसको क्या बोलते हैं हम राइट साइड की, हमको कैपिटल एक्स बोल देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जहाँ पे डी वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं हम, एम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, एम स्क्वेयर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा फार्मूला ही है, एम प्लस वन का होल स्क्वेयर। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फार्मूला होता है, उसी में एम प्लस वन का होल स्क्वेयर का फार्मूला हमारा है। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एम प्लस वन का होल स्क्वेयर का फार्मूला है, तो यहाँ पे टू टाइम्स है, तो क्या किया मैंने, एम प्लस वन इंटू एम प्लस वन। ठीक है, टू टाइम्स है, तो हमें अभी यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू जीरो। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्लस का वन ही उधर जाके क्या होगा, माइनस का वन। ये प्लस का वन था, उधर जाके क्या होगा, माइनस का वन। ठीक है, तो हमारे पास टू रूट्स आए, तो दोनों के दोनों, ये फर्स्ट रूट है एम वन और ये सेकंड रूट है एम टू, दोनों के दोनों रूट्स देखो ध्यान से, दोनों के दोनों इक्वल रूट्स है। क्या है, इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स है और रियल रूट्स है। तो मैंने क्या किया, एम वन और एम टू दोनों की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, माइनस वन थी। ठीक है, एम वन और एम टू की दोनों की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन। तो माइनस वन को क्या नाम दे दिया, सीधा ही एम दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल रूट्स। देन हमें सी एफ निकालना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी एफ निकालना है, तो सी एफ कैसे निकाल दे, रियल एंड इक्वल रूट्स का सी वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम एक्स। ठीक है, इस एक्स को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ पे भी लगा सकते इस एक्स को। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर तुमको देखना होगा वीडियो लेक्चर्स, तो मैं यहाँ पे आई टी में उस वीडियो लेक्चर्स की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार हम इसका सी एफ निकालते हैं जब इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई रेस टू एम, एम की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू देखो यहाँ पे सी वन एक्स प्लस सी टू, एम की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, तो माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस वन मतलब माइनस एक्स। ठीक है, उसको पुट कर दिया। देन हमारा फाइनली जो सी एफ रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, इस ई रेस टू माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या होगा, सी वन सी वन, अभी इस एक्स के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी टू, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ई रेस टू माइनस एक्स। तो हमारी जो मेथड होती है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, क्या बोलती है, यहाँ से हमें y1 और y2 चूज करना पड़ता है। तो हमारा y1 और y2 कैसे चूज करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने तुमको बताया था कि जो c1 और c2 के जो कोएफिशिएंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, y1 और y2। तो c1 का कोएफिशिएंट ये टोटल है और c2 का कोएफिशिएंट ये भी टोटल है, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, y1 और y2। तो मैंने वही लिखा है, हियर y1 हमारा क्या होगा, x e रेस टू माइनस x, और y2 क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, e रेस टू माइनस x। ठीक है, उसके बाद हमें x की भी जरूरत पड़ती है, कैपिटल x की फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो कैपिटल x तो हमें पता ही है, हमारा जो ओरिजिनल कैपिटल x है यही है हमारा e रेस टू माइनस एक्स लॉग एक्स, तो उसको भी लिख लिया मैंने बॉक्स में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम रॉन्सकियन। तो रॉन्सकियन को काय से डिनोट करते हैं हम, w से। ठीक है, w की भी हमें जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो w होता है वो हमारा क्या होता है, वाई वन वाई टू, वाई वन डैश और वाई टू डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव नीचे, इसका डेरिवेटिव नीचे। ठीक है, अभी हमारा y1 क्या था स्टूडेंट्स, x e रेस टू माइनस एक्स, y2 क्या था, e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे नीचे लिखा है, बाय प्रोडक्ट रूल। क्या, बाय प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन अलग अलग है ना, x और e रेस टू माइनस एक्स, दो अलग अलग फंक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड। इन दोनों का प्रोडक्ट रूल किया, तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल का यूज करके हमने डेरिवेटिव निकाला है। अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो कैसे निकाला है वो, ध्यान से देखो,
ए से निकाला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ए से निकाला है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो उसका डैश क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे अगेन तुमको बता देता हूँ, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका नीचे डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स वैसा की वैसा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स ही होगा, और इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस वन, तो आगे लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं हम, प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, तो फिर सेकंड फंक्शन को ई रेस टू माइनस एक्स वैसा की वैसा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन, उसको लिखने की जरूरत है हमें नहीं, तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसका डेरिवेटिव नीचे, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू माइनस एक्स तो होता ही है, ई रेस टू माइनस एक्स होता है, लेकिन इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस वन, तो आगे आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन आगे लगा दिया है, ठीक है। इस प्रकार हम डेरिवेटिव निकालते हैं कोई भी फंक्शन का। तो प्रोडक्ट रूल के बाद हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ किया, तो माइनस का एक्स, माइनस का एक्स, अभी यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है, इधर भी ई रेस टू माइनस एक्स है, तो कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन में कितने हो जाएंगे, टू टाइम्स ई रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है। बेस सेम है ना, इन दोनों का बेस सेम है, तो इनका क्या हो जाता है, एडिशन, माइनस एक्स माइनस एक्स कितने हो गए, माइनस ट्वाइस एक्स। फिर इसके बाद इसका माइनस करते और मल्टीप्लिकेशन, माइनस अभी इसका इसके साथ, तो इसको पूरी ब्रैकेट में रख दिया मैंने, ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो माइनस का साइन लगाते हैं डिटरमिनेंट के बाद। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते जाओ, तो वैसा कि वैसा माइनस एक्स ई रेस टू माइनस टू एक्स वैसा कि वैसा, फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस माइनस का हो जाएंगे स्टूडेंट्स प्लस, अभी यहाँ पे एक्स वैसा कि वैसा ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स कितने हो गए, ई रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर इस माइनस के साइन को अंदर भेजेंगे, तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स कितने हो गए, ई रेस टू माइनस टू एक्स। अभी ध्यान से देखो, माइनस का था और ये प्लस का था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, दोनों गेट कैंसिल, बचा क्या सिर्फ माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फाइनली डब्ल्यू गया, हमारा क्या हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं हम, रॉन्स किए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फाइनल जो जो हमारा फाइनल क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो फार्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम पी आई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड पी आई, क्या फाइंड करेंगे हम, पी आई, नाउ फाइंड पी आई, तो पी आई के लिए हमारा फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, वी हैव पी आई के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हो, यूजिंग दिस फार्मूला, याद है क्या हमें पी आई के लिए वो फार्मूला कैसा होता था, पी आई इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हम वो फार्मूला, एक बार और लिख देता हूँ मैं, माइनस वाई वन, फिर इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या होता है, वाई टू अपॉन डब्लू, और इधर क्या होता है हमारा एक्स, और इधर क्या होता है डी एक्स, ठीक है। अभी माइनस का हो जाता है तो इधर क्या रख देते हम प्लस, ठीक है, फिर ये वाई वन है तो इधर क्या लगाते हैं हम स्टूडेंट्स, वाई टू, फिर इंटीग्रेशन में इधर वाई टू रहता है तो इधर क्या लगाते हैं हम, वाई वन अपॉन डब्लू, डब्लू मीन्स रॉन्सकियन, और ये हमारा कैपिटल एक्स जो निकाला है हमने, ठीक है, जो दिया हुआ है हमें डी एक्स, ठीक है। इसमें अभी हम सभी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, क्या है, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, इंटीग्रेशन वाई टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, अभी निकाली, माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, ये देखो कितनी है, सभी वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने साइड में निकाल लिया था, ई रेस टू माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स, फिर ये फाइनली क्या हो गया हमारा डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अभी वाई टू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई वन की वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स, क्या है, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन डब्लू, डब्लू कितना है स्टूडेंट्स, माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है, और x, x हमारा क्या है, e रेस टू माइनस एक्स लॉग ऑफ x, और ये हमारा फाइनल क्या होगा dx, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी वैल्यू पुट कर लिया, अभी फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, e रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है, मैं फाइनली सॉल्व कर ही लेता हूँ। अभी ये माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बाहर क्या बचेगा सिर्फ एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, अभी ऊपर क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, ई रेस टू माइनस टू एक्स, ई रेस टू माइनस टू एक्स, और नीचे क्या है,
माइनस टू एक्स, ठीक है, ई रेस टू माइनस टू एक्स, और इधर क्या है बाहर लॉग ऑफ एक्स, और इधर क्या है डी एक्स, ठीक है, प्लस, अभी माइनस का साइन है तो मैं माइनस लगा लेता आगे, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस आगे लगा लेता, तो ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन में नीचे क्या ऊपर क्या है ई रेस टू माइनस एक्स एक्स, ई रेस टू माइनस क्या हो जाएगा ये ट्वाइस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स क्या होगा ई रेस टू माइनस ट्वाइस एक्स, मल्टीप्लाई में नीचे क्या होगा ये माइनस का बाहर निकल गया है, ठीक है, ई रेस टू माइनस ट्वाइस एक्स टू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट ये दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा सिर्फ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक्स ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन में क्या बचेगा स्टूडेंट्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, अब ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू माइनस टू एक्स और ई रेस टू माइनस टू एक्स गेट कैंसिल, क्या बचेगा एक्स लॉग ऑफ एक्स और इधर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स डी एक्स, ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन फाइनल है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अभी तुमको पता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, लेकिन कैसे आता है ये भी बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, तो इसका और इसका इंटीग्रेशन अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, अभी इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्या प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल मतलब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इसको क्या बोलेंगे हमें पता है कौन सा रूल होता है आइलेट रूल, कौन सा होता है आइलेट रूल, ठीक है, आइलेट रूल होता है हमारे पास, तो पहले इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर कौन सा होता है एक्सपोनेंशियल, तो इसमें लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट, अभी यहाँ पे सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे किसको dx को सेकंड फंक्शन, ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखो स्टूडेंट्स इसमें भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें, यहाँ पे भी यल पहले आ रहा है मतलब लेट रूल पहले, मतलब लेट रूल के हिसाब से लॉगरिथम फंक्शन पहले, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉग ऑफ एक्स पहला फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आ जाएगा हमारा एक्स, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, फिर बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स निकालेंगे हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल लगेगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के बाद जो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या होता है एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स निकलेगा, ठीक है, तो एक ऐसे आया मैं इसका इंटीग्रेशन तुमको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, माइनस अभी इसका हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स है तो इसका निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया लेकिन मैं बताता हूँ कैसे आया, ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स वैसा की वैसा, अभी इसको सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ ये कैसे आया, ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से, तो किसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स और डीएक्स का, ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मान लेने का लॉग ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन किसको मानने का सेकंड फंक्शन किसको मानने का लॉग एक्स का, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है वन है, ठीक है, यहाँ पे लॉग एक्स के पास डी एक्स के पास कोएफिशिएंट क्या है वन है, तो वन को क्या मानने का सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल ही होता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का अगर डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन वैसा कि वैसा क्या निकालते हैं सेकंड का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन में क्या निकालते हैं हम सेकंड डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है, हमारा रूल होता है फर्स्ट फंक्शन को नहीं हमारा लॉग ऑफ एक्स वैसा की वैसा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, सेकंड सेकंड को नहीं वन मतलब वन का डी एक्स, तो सिर्फ क्या बनाएगा इधर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इन इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट का लॉग एस का मतलब लॉग एस का डेरिवेटिव, लॉग एस का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स लॉग एस का डेरिवेटिव कितना होता है वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सेकंड सेकंड कितना है वन है तो वन का डी एक्स मतलब कितना बचेगा डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से लॉग ऑफ एक्स वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में वो क्या बचा है यहाँ पे वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स एक्स होता है और ये बाहर का डी एक्स अंदर आ गया, ठीक है, अभी फाइनली आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा इस एक्स को आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक एक्स से एक एक्स गया कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचा सिर्फ डी एक्स बचा, क्या बचा सिर्फ डी एक्स, तो एक्स
log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है स्टूडेंट्स x, तो वही लिखा है ना x log of x माइनस x, वही लिखा है मैंने x log of x माइनस x इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी रही सवाल इसका, तो इसका कैसे निकाल दे इंटीग्रेशन, ये भी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन यहीं पे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है, क्या है सेकंड फंक्शन में, ये इसका भी इंटीग्रेशन अभी निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या है तो देखते x log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको निकाल के, इसका तो निकाल लिया हमने। ठीक है, log x का एक इसका निकाला हमने log of x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी हम सेकंड किसका निकाले हम, इसका निकालेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड इसका x log of x और dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन कौन है हमारा, इसमें ए वाला, और सेकंड फंक्शन कौन है x। ठीक है, तो इसको भी ले लिए फर्स्ट फंक्शन वैसा कि वैसा, हमारा पता है रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसा कि वैसा, फर्स्ट फंक्शन कौन है log of x वैसा कि वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब x का इंटीग्रेशन मतलब x dx माइनस, क्या लगा दें हम, माइनस इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट, क्या है ddx ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कौन है हमारा log of x, तो डेरिवेटिव ऑफ log of x कितना होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेकंड का dx, सेकंड सेकंड फंक्शन कौन है हमारा x, x dx और ब्रैकेट क्लोज और हमारा dx। ठीक है, फाइनली देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारा log of x इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है, हमें पता है x स्क्वायर अपॉन 2, क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, एक ऊपर बढ़ जाता है और एक नीचे वही नीचे वैसे निकाल जाता है। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वैसा कि वैसा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये बाहर का dx तो वो अंदर आ जाएगा तो dx अंदर। ठीक है, अभी फाइनली आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं इसको आगे लिख देता हूँ x स्क्वायर अपॉन 2 log of x माइनस, अभी एक x से एक x गया तो यहाँ पे कितना x बचेगा, एक x बच जाएगा, तो इस वन आपको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, एक ही x बच जाएगा, एक x से एक x चला गया तो एक ही x बचा dx। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर अपॉन 2 log of x माइनस 1/2, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अभी ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो क्या होगा फाइनली x स्क्वायर अपॉन 2 log of x माइनस x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ x स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 4, तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन किसका निकाला हमने, x log of x dx का इंटीग्रेशन क्या निकाला हमने, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log of x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये वैल्यू हम सीधा वहाँ पे पुट कर देंगे। तो एग्जाम में तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक तो ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मैंने लेकिन तुमको स्टेप वाइज स्टेप बताया जिससे तुम्हारी सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैं इस फाइनल इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सीधा वहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स इसकी दो वैल्यू पुट कर ली थी हमने, x log of x माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस e रेस्ट टू माइनस x, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, इसकी वैल्यू अभी निकाली, तो इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर अपॉन 2 log of x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, क्या वो x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log of x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्या निकल गया, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, क्या निकल गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अभी हम फाइनली क्या निकाल लेंगे, अभी हम इसको पुट कर लेंगे किस में, जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, सो हैंस जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, एक तो फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होता है हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स तुमको सी एफ मैंने निकाल के दिया था, सी एफ हमारा क्या था, सी वन एक्स ई रेस्ट माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट माइनस एक्स। ठीक है, वो लिख लेते हैं, तो वाई सो देयरफॉर
वाई इज इक्वल टू हमारा जो सी एफ था ए वाला था, ठीक है, हमारा क्या था सी एफ था, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सी वन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ये हमारा क्या था सी एफ था, ठीक है। अभी फाइनली प्लस पी आई तो हमने ये जो निकाला है, ठीक है, क्या है वो एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इन ब्रैकेट एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर बाय टू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय फोर, ठीक है। इस प्रकार है हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स अभी हम एक काम करते ए वाला एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ नंबर का एग्जांपल, ठीक है, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ए वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स वही एग्जांपल है हमारे सामने अभी, ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टाइस एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अभी आंसर देखो स्टूडेंट्स, वैसा ही गिवन जो दिया है वो लिख लिया, ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। उसके बाद एफ ऑफ डी वाई, हम इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं, ठीक है, ए वाई वैसे कि वैसा, और इसको क्या बोलते हैं हम एक्स बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या निकाल दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में जहाँ पे डी वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं, तो एम स्क्वेयर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें फैक्टर्स निकालने, ठीक है, ऐसा प्लस और माइनस, ऐसा माइनस फोर का ऐसा प्लस और माइनस करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए फोर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट की, माइनस फोर को किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस टू एम माइनस टू एम माइनस फोर एम को इस प्रकार लिख लिया, ठीक है, यहाँ से एक एम को निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या किया एक एम को निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा एक एम बच जाएगा, और यहाँ से एम चला गया था बाहर तो कितना बच जाएगा सिर्फ माइनस टू बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया माइनस टू को निकाला, आई को निकाला माइनस टू, तो ये हमेशा की वैसा हमेशा की वैसा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस टू बच जाएगा, क्योंकि माइनस टू का दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, फैक्टर हम इस प्रकार निकाल दो। यहाँ से अगेन एम माइनस टू क्या है कॉमन आ गया, एम माइनस टू कॉमन आ गया, बचा क्या एम माइनस टू, ठीक है। इस प्रकार हमारा फैक्टर्स निकल गए, माइनस का टू उधर जाके प्लस का टू होगा, माइनस टू उधर जाके प्लस का टू होगा, ठीक है। यहाँ से इसको एम वन बोल दिया, इसको क्या बोल दिया एम टू बोल दिया, ठीक है। तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट दोनों इक्वल रूट हो गए, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट रहे, तो एम वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं, तो जो एम है वो क्या हो गया हमारा टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स। देन अभी इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ के लिए तुमको पता है रियल एंड इक्वल रूट्स, इससे पहले एग्जांपल में भी रियल एंड इक्वल रूट्स आया था, ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें भी रियल एंड इक्वल रूट्स आया था, लेकिन ध्यान से देखो उसमें मैंने एक से यहाँ पे लगा दिया, तो तुम एक्स किधर भी लगा सकते हो, ठीक है, कौन से भी कॉन्स्टेंट को एक्स लगा सकते हो, मतलब किसी को भी कोई दोनों में से एक कॉन्स्टेंट को फ्री रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स इधर लगा दिया, तो सी वन प्लस सी टू ई रेस टू एम एक्स, तो तुमको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो, इस प्रकार मैंने इस एग्जाम्पल को अलग तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एफ वही की वही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है हो, ठीक है, वैसा कि वैसा ही है, तुम कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एम की वैल्यू कितनी है टू, ठीक है, एम की वैल्यू क्या थी टू, और टू को वैसा कि वैसा रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसको, ठीक है, सी वन का इसके साथ सी वन ई रेस टू टू एक्स, इसके साथ सी टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे प्राइवेट क्या रहती है कि यहाँ पे हम y1 और y2 को ढूंढते हैं, तो हमारा y1 क्या रहेगा c1 का कोएफिशिएंट, y2 क्या रहेगा c2 का कोएफिशिएंट, तो y1 और y2 मिल गया, ठीक है, y1 y2, x क्या था हमारा जो हमारा राइट साइड होता है ई रेस टू टू एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या निकालते हैं हम रॉन्सकेन निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, रॉन्सकेन डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है, यहाँ पे y1 y2 दोनों की वैल्यू रख दी, इसका डेरिवेटिव नीचे, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है ई रेस टू टू एक्स होता है, और टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है टू, उसको आगे लिख दिया, ठीक है, डेरिवेटिव इस प्रकार लिख दें। भैया यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव करो, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल तुमको अभी बताया था मैंने, फर्स्ट और फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, इसमें फर्स्ट फंक्शन एक्स है और इसमें सेकंड है, ऐसा अगर निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन वैसा कि वैसा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसा कि वैसा फर्स्ट का
डेरिवेटिव ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन वे सेकंड वैसा, फर्स्ट फंक्शन कौन एक्स वे सेकंड वैसा लिखा है, और इसका डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स, और टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है टू, आगे लिख लिया। फिर प्लस सेकंड फंक्शन वैसा के वैसा, सेकंड फंक्शन को नहीं ई रेस टू टू एक्स वैसा के वैसा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है वन, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी इसको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे अभी स्टूडेंट्स, ठीक है। ई रेस टू टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस अभी इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स वैसे की वैसे माइनस टू एक्स हो जाएगा, टू था ना टू एक्स, और ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स कितने हो गए ई रेस टू फोर एक्स, ठीक है। या आप इसको सॉल्व करो, इसका भी मल्टीप्लाई करो अंदर इस ब्रैकेट में, तो क्या होगा टू एक्स ई रेस टू फोर एक्स, फिर प्लस ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स कितने हो गए ई रेस टू फोर एक्स, ठीक है। ये प्लस का टू एक्स ई रेस टू फोर एक्स और माइनस का टू एक्स ई रेस टू फोर एक्स दोनों गेट कैंसर, तो बचेंगे क्या डब्ल्यू में, सिर्फ ई रेस टू फोर एक्स बच गया, ये हमारा फाइनल क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू मतलब रॉन्सकियन। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पी आई निकालते हैं, ठीक है। तो पी आई के लिए जो फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू डब्ल्यू एक्स डी एक्स प्लस वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन डब्ल्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी हम एक एक वैल्यू इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो फाइनली मैं पी आई निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ अभी पी आई निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है ई रेस टू टू एक्स, क्या है ई रेस टू टू एक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है ई रेस टू टू एक्स है। तो ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस, माइनस का साइन ई रेस टू टू एक्स, ठीक है, एक आई की वैल्यू हमारी वाई वन की, इंटीग्रेशन वाई टू, वाई टू कितना है एक्स ई रेस टू टू एक्स है, एक्स ई रेस टू टू एक्स अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू अभी निकाला ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू फोर एक्स, और एक्स एक्स हमारा ई रेस टू टू एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा डी एक्स प्लस, अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे वाई टू, वाई टू कितना है स्टूडेंट्स वाई टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, एक्स ई रेस टू टू एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखो वाई वन, वाई वन कितना है स्टूडेंट्स ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू फोर एक्स। तुमको कुछ नहीं करना है, सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो फाइनली ई रेस टू फोर एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स ई रेस टू टू एक्स, और ये सेक स्क्वेयर एक्स, और ये हमारा क्या होगा डी एक्स, ठीक है। सभी वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो अभी क्या होगा, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनली माइनस ई रेस टू टू एक्स इंटीग्रेशन में ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स ई रेस टू फोर एक्स, और नीचे का ई रेस टू फोर एक्स दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो बचेगा क्या एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, क्या बचेगा एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, इधर क्या रहेगा डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स कितने हो जाएंगे ई रेस टू फोर एक्स, इसलिए वो कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी देखो ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स कितने हो जाएंगे ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू फोर एक्स गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स ई रेस टू टू एक्स वैसा की वैसा, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा सिर्फ सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वापस यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ऐसा समझ के चलो, ठीक है, आइलेट रूल के हिसाब से, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो इसमें भी क्या होगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो आइलेट रूल के हिसाब से हम जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, तो हमें पता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में ई रेस टू माइनस टू एक्स वैसा की वैसा, ठीक है, मैं इसके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा की वैसा, फर्स्ट फंक्शन वैसा की वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस, फिर ब्रैकेट में इन इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ लगे तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना है एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, और ये पूरा फाइनल हमारा इसका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक क्या किया हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फिर यहाँ पे देखो ए प्लस
ठीक है, मैंने अभी तक इसी को सॉल्व किया है, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैंने अभी तक इसी को सॉल्व किया है यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में लिख देता हूँ, यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल में जैसे सॉल्व किया था वैसे, ठीक है, तो उसका यूज़ क्या है, प्लस एक्स ई रेस टू टू एक्स वैसा कि वैसा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इससे एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें पता है 10x होता है, क्या होता है 10x, ठीक है 10x होता है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, माइनस ई रेस टू टॉइस एक्स एक्स से एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अभी बोला मैंने तुमको क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, ठीक है। माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स 1, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा सिर्फ, अभी यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, कितना बच जाएगा 10x, तो यहाँ पे 10x इंटू 1 कितना होगा 10x ही बचेगा, क्या बच जाएगा 10x, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया था, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 10x, 10x इंटू 1 कितना हो गया 10x, ठीक है, और ये बाहर का dx अंदर आ गया, तो ये dx, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद प्लस ax e रेस टू 2x और इंटू 10x वैसा कि वैसा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, माइनस ई रेस टू 2x, ठीक है, अभी देखो x 10x माइनस, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, क्या होता है log ऑफ sec x, ठीक है, प्लस x e रेस टू 2x इंटू 10x, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ तक हमारा फाइनल हो चुका है, अभी अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को आगे लिख लेता हूँ मैं, माइनस का साइन, ठीक है, माइनस e रेस टू 2x, ठीक है, x आगे लिख लिया इंटू 10x, ये माइनस माइनस का हो गया स्टूडेंट्स, प्लस e रेस टू 2x इंटू log ऑफ sec x, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस 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 x e रेस टू 2x इंटू 10x। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो माइनस का और ये क्या है प्लस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा फाइनल जो पी आई होगा, सो देयर फोर पी आई इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा ई रेस टू 2x इंटू log ऑफ sec x, ठीक है, हमारा क्या होगा पी आई, सो फाइनली सो देयर फोर जनरल सोल्यूशन इज क्या होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ जो निकाला था हमने, सी एफ क्या था हमारा ए वाला था ना, सी एफ हमारा ए वाला था, सी वन ई रेस टू 2x प्लस सी टू एक्स ई रेस टू 2x, ठीक है, मैं वही लिख लेता हूँ, सी वन ई रेस टू 2x प्लस सी टू एक्स ई रेस टू 2x प्लस पी आई, पी आई तो अभी निकाला हमने ए वाला, प्लस ई रेस टू 2x इंटू log ऑफ sec x, ठीक है स्टूडेंट्स, log ऑफ sec x, देखो फाइनली हमारा ये क्या हो गया, फाइनल हमारा ए हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर स्टूडेंट्स, तो फिर ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले, हमने तीन एग्जांपल सॉल्व करने का बोला था मैंने, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी हम यहाँ पे हमने टोटल 7 एग्जांपल्स लिए थे, उसमें से हमने अभी ये वाला एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल सॉल्व किया, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लेंगे सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, वही एग्जांपल है, ये एग्जांपल वही है, सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस वन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड, लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखो वही लिखा है यहाँ पे, गिवन जो लिखा है मैंने, वही लिखा है गिवन जो दिया है वो, ठीक है,
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको ये FD बोलते हैं, हमें वो हाई वैसे के वैसा, इसको क्या बोलते हैं हम X बोलते हैं, कैपिटल X, ठीक है। इसके बाद इसका क्या निकाला हमने, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम, जहाँ पे D वहाँ पे क्या कर देते हैं, ई एम पुट कर देते हैं, ई एम स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो, इक्वल में जीरो ले लेते हैं। हमें पता है वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, ठीक है, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए के हमारा ई एम है और बी के है वन है, तो ये हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसमें बी एम माइनस वन इंटू एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस फार्मूला का हेल्प से यहाँ पे फैक्टर बना है, तो यहाँ पे माइनस का वन उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का वन उधर जाके क्या का हो गया माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन से रूट मिले, अलग अलग रूट, वन और माइनस वन, रियल एंड डिस्टिंग रूट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन से अलग अलग रूट मिले, रियल एंड डिस्टिंग रूट, ठीक है। देन सुने से यहाँ पे ध्यान से देखो, सी एफ, सी एफ कैसे निकाला हमने, सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंग रूट के लिए हमारी कंडीशन यही होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, ठीक है। देन क्या होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम वन, एम वन हमारा पहला रूट, वन एक्स, वन एक्स, ठीक है, वन एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट में वन रहता है, प्लस सी टू ई रेस टू एम टू हमारा क्या है माइनस वन, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। देन हमें पता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मेथड में हम C1 का कोएफिशिएंट उसको क्या बोल देते हैं Y1 बोल देते हैं, जो C2 का जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स हम Y2, ठीक है। तो यहाँ से Y1 और Y2 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो Y1 और Y2 यहाँ से X भी सिलेक्ट कर लिया, X क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी राइट साइड हमारी, जो टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, उसको कैपिटल X बोलते हैं। देन हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, रॉन्सकियन, तो रॉन्सकियन क्या होता है, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट होता है, तो Y1 Y2 और इसका डेरिवेटिव नीचे, इसका डेरिवेटिव नीचे, ठीक है, हमारा क्या होता है रॉन्सकियन होता है। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, देखो Y1 की वैल्यू कितनी थी ई रेस टू एक्स, Y2 की वैल्यू कितनी थी ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव नीचे, तो Y1 डैश है ना, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, तो क्या करेंगे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स होगा ही, लेकिन इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, ठीक है, वो माइनस का साइन आगे आ जाता है ऐसा, तो ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, हमें पता है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो मैंने क्या किया इसका इसके साथ किया, तो माइनस का साइन आ गया था, अभी इसका इसके साथ कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों की बेस सेम है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, तो एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार ही होता है ना मल्टीप्लिकेशन, ई की पावर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों का बेस ई है और इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, वैसे सिमिलरली माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ई वैसा की वैसा और इन दोनों का एडिशन, तो एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। और कोई भी नंबर की पावर में जीरो कितना होता है वन होता है, तो माइनस वन, ठीक है, तो माइनस का साइन ई रेस टू जीरो वन, माइनस साइन ई रेस टू जीरो वन, ठीक है, माइनस वन कितने हो गए माइनस का टू, ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, तो डब्ल्यू क्या निकला हमारा माइनस टू। नाउ वी होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। नाउ पी आई, अभी क्या फाइंड करेंगे हम पी आई, तो पी आई के लिए तुमको पता है स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला ही होता है, पी आई के लिए यही फार्मूला लगाते हैं हम, पी आई इज इक्वल टू माइनस वाई वन इंटीग्रेशन वाई टू अपॉन डब्ल्यू एक्स डी एक्स, ठीक है, हमारे पी आई का यही फार्मूला था, प्लस अभी इधर वाई वन रहता है, तो इधर का इधर माइनस का वाई वन, इधर का प्लस का वाई टू, देन इधर वाई टू है, इधर क्या लिखते हैं हम वाई वन, ठीक है, हमारा फार्मूला ये होता है और यही प्रोसेस होती है, और ए एक्स वैसा कि वैसा इन टू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक एक वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में अपना पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन है, क्या का साइन है माइनस का, ठीक है, वाई वन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वाई वन की वैल्यू है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स को मैंने वैसे कि वैसे रख दिया, ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा होगा। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाई टू, वाई टू कितना है स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दी ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स माइनस टू, डब्ल्यू की वैल्यू अभी निकाली हमने माइनस टू, ठीक है। और एक्स, एक्स हमारा जो एक कैपिटल एक्स ए वाला है, टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन वाई वन की वैल्यू कितनी है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस टू, माइनस टू, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अगेन टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे हम अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से,
यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ध्यान से देखो ठीक है, यहाँ पे तुमको समझेगा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ध्यान से, ये काय का साइन है, माइनस का, अभी ये माइनस का टू है ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस होगा, ऑब्वियसली प्लस होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ ई रेस टू एक्स ठीक है, ई रेस टू एक्स, तो मैंने प्लस का ई रेस टू एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस ठीक है, इंटीग्रेशन वैसा की वैसा। अभी ध्यान से देखो ए टू से ए टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स वैसा की वैसा, और अपॉन में वन प्लस ई रेस टू एक्स, वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से टू गेट कैंसिल कर दिया और माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, और ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा ठीक है, और इसका यहाँ पे वैसे की वैसे उसके डिवाइडेड में ठीक है। देन यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे लिख लिया मैंने आगे, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ठीक है, तो माइनस का साइन आगे दे दिया, ई रेस टू माइनस एक्स वैसा की वैसा, ए टू से ए टू को गेट कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ ई रेस टू एक्स ठीक है स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा इंटू डी एक्स ठीक है स्टूडेंट्स, ये आधा हमने सॉल्व किया। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बराबर ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा ठीक है, कोई बात नहीं ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा। अभी मैंने क्या किया इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है ठीक है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन सही तरीके से लेना है, तो मैंने इस प्रकार एडजस्टमेंट की है कि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन सही तरीके से आ जाए। देखो स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस एक्स से नीचे आ जाएगा तो क्या होगा वो प्लस का, ई रेस टू माइनस एक्स से नीचे आ गया तो ई रेस टू एक्स हो गया, तो इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा वन प्लस ई रेस टू एक्स को ठीक है, ये पूरी टर्म है ना हमारी वन प्लस ई रेस टू एक्स, ये क्या है हमारी वन प्लस ई रेस टू एक्स ठीक है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये माइनस का था नीचे आके प्लस का होगा ठीक है। ये एडजस्टमेंट की है मैं बताता हूँ, इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन रूल से करेंगे हम इसको, तो उसी का यूज़ किया यहाँ पे, मैं तुमको आगे बताता हूँ। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स वैसा कि वैसा इंटीग्रेशन में, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैंने सीधा इंटीग्रेशन ले लिया। हमें एक रूल पता है कि कोई भी फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो, कोई भी फंक्शन नीचे और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो लॉग ऑफ फंक्शन होता है ठीक है, हमारे पास रूल ही होता है ठीक है। कोई भी फंक्शन में तुमको रूल बताता हो क्या होता है वो, यहाँ पे बताता हूँ मैं तुमको ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में नीचे कोई फंक्शन है ठीक है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा है इंटू डी एक्स, तो हमारा फार्मूला होता है लॉग ऑफ क्या होता है एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ दिस फंक्शन ठीक है। अभी यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वही था स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था ए वाला इंटीग्रेशन ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स का ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या है वो, क्या है इंटीग्रेशन में क्या है ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना हमें, क्योंकि देखो वन प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, वन का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है ई रेस टू एक्स, जीरो प्लस ई रेस टू एक्स कितना होगा ई रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ठीक है, ई रेस टू एक्स आ गया ना, तो क्या होगा फाइनली लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने वही लिखा है ठीक है, ये लिखा है लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स ठीक है, तुमको समझ में आ चुका होगा ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किए ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, अभी ये इंटीग्रेशन वैसा की वैसा, यहाँ पे देखो ये मैंने इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन मेथड से किया है ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मेथड से किया है, तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग नहीं करते आती ठीक है, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन बन ही नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की ऐसे की है, तो ए वाला जो है ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे एडजस्टमेंट किया मैंने ठीक है। तो कैसे किया है मैं तुमको प्रूफ के तौर पे बता देता हूँ कि इसको इस प्रकार क्यों लिखा है मैंने ठीक है, इसको इस प्रकार क्यों लिखा है, ध्यान से देखो कैसे लिखा है मैंने उसको स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इसको कैसे लिखा है मैंने। अभी ये वन अपॉन ई रेस टू एक्स है ठीक है, वन अपॉन ई रेस टू एक्स ठीक है, वन अपॉन ई रेस टू एक्स, वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस माइनस
वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो दो स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ करोगे वन के साथ, क्यों क्या होगा वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। फिर माइनस इसका इसके साथ करो वन के साथ, कितना होगा ई रेस टू एक्स ही होगा, ठीक है। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा ई रेस टू एक्स इंटू वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अभी प्लस का ई रेस टू एक्स माइनस का ई रेस टू गेट कैंसल, क्या बचेगा वन अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो वही की वही टर्म आ गए, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, वही की वही टर्म आ गए, वन अपॉन ई रेस टू एक्स वन प्लस ई रेस टू एक्स, और वही की वही टर्म है, ये देखो ये वही की वही टर्म है हमारे, वन अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू वन प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये जो मैंने जो ये सॉल्व किया है ये वाला, इसी की मेथड के यूज़ करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है, होपफुली तुमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो क्या करूँगा मैं, ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा, वैसा की वैसा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाऊँगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली लेते नहीं आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है यहाँ पे, तो ऊपर जाके क्या कहूँगा माइनस का, सेपरेट इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। तो ई रेस टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। और ये डी एक्स लगा दिया, डी एक्स लगा दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, फिर माइनस, फिर क्या है माइनस, फिर इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं वापस, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, तो वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीट हो गया। और ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स, हमें पता है ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स ही होगा, लेकिन इसका माइनस एक्स का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस वन, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन का रूल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, अभी इसको देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कैसे करूँगा ध्यान से देखो, कैसे एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन में, मैं ऊपर ई रेस टू एक्स से मल्टी ई रेस टू माइनस एक्स से भी ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी करूँगा, एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया वन को, ठीक है, अपॉन में अभी ई रेस टू माइनस एक्स से ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा ई रेस टू माइनस एक्स से, ठीक है। अरे वन प्लस ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा, अरे डी एक्स हमारा वैसा की वैसा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स भी वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस माइनस का साइन है, काय का साइन है हमारा माइनस का, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाद में करूँगा मैं, ठीक है, इसको वैसे के वैसा रखता हूँ मैं, ई रेस टू एक्स इंटू माइनस का साइन ऊपर लिख लेता हूँ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ माइनस, अभी ये माइनस वैसा के वैसा इंटीग्रेशन में, अभी इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। मैं तुमको बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा मैं उसको, ई रेस टू माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन ई रेस टू माइनस एक्स, प्लस इसका इसके साथ में करूँगा तो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, हमें पता है इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा ई एडिशन, तो क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, इन दोनों का बेस सेम है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा उनका एडिशन, तो माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होता है जीरो, ई रेस टू जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली ई रेस टू जीरो कितना होता है वन होता है, ठीक है, उसको आगे लिख लिया प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तुमको समझ में आ चुका होगा। तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व किया इस प्रकार, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एडजस्टमेंट थी। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस माइनस को अगर यहाँ पे लगा दिया मैंने तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना हमें,
इस माइनस को अगर यहाँ पे लगा दिया तो इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है हमें, तो हमारा वही फंक्शन बन जाएगा, वही लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, भी माइनस के साइन को अंदर लगा देता हूँ मैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है, तो प्लस आ जाएगा, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस का ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, और हम मैंने अभी बताया था तुमको, अभी रूल बताया था, कोई भी फंक्शन रहा उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, वन का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ क्या आएगा वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तुमको बताने की जरूरत ही नहीं आएगी, ठीक है। तुम समझ चुके होंगे डायरेक्टली उसका क्या आएगा आंसर, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा क्या, माइनस आएगा, प्लस प्लस लॉग ऑफ, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस लॉग ऑफ दिस फंक्शन वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज फाइनली माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, पी आई हो गया, क्या हो गया पी आई, मतलब पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको अगर अच्छे से लिखना होगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सो देयर फॉर फाइनली पी आई हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, भी माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस, ठीक है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू जीरो कितना होता है वन, तो क्या हो जाएगा फाइनली वन, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ई रेस टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, बेस सेम है ना, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस का साइन आ गया, ठीक है, प्लस अब इसका इसके साथ ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। ये फाइनल हमारा क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर हेंस हेंस कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। सी एफ हमने अभी निकाला था, इससे पहले क्या निकाला था हमने, सी एफ निकाला था, सी एफ क्या था हमारे स्टूडेंट्स ए वाला, ठीक है, क्या था, सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, वही लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू क्या है फाइनली, फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा y इज इक्वल टू सी एफ क्या है, सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, और ये अभी पी आई प्लस पी आई है, तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का वन प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ, क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर एग्जांपल्स लाए थे, ठीक है, टोटल सेवन एग्जांपल्स थे हमारे, टोटल कितने एग्जांपल्स थे हमारे आज, सेवन एग्जांपल्स थे, सेवन में से हमने आज थ्री एग्जांपल सॉल्व किए, ठीक है। तो इसमें से पहला एग्जांपल सॉल्व किया हमने सबसे पहले, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व किया, देन सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है। इस प्रकार हमारे तीन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। आई होप तुमको सब समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तुमको भी जो हम मैंने अभी ये होमवर्क दी है, ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, तो इन में भी वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो तुमको
सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार मेथड ऑफ इटरेशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ माइनस, अभी ये माइनस वैसा के वैसा इंटीग्रेशन में अभी इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। मैं तुमको बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूँगा मैं उसको ई रेस टू माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस इसका इसके साथ में करूँगा तो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, हमें पता है इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा ई एडिशन, तो क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, इन दोनों का बेस सेम है ना तो ऊपर क्या हो जाएगा उनका एडिशन, तो माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होता है जीरो, ई रेस टू जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली ई रेस टू जीरो कितना होता है वन होता है, ठीक है। उसको आगे लिख लिया प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तुमको समझ में आ चुका होगा। तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व किया इस प्रकार, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एडजस्टमेंट थी। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस माइनस को अगर यहाँ पे लगा दिया मैंने तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना, हमें इस माइनस को अगर यहाँ पे लगा दिया तो इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है हमें, तो हमारा वही फंक्शन बन जाएगा, वही लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे क्या होगा ई रेस टू एक्स वैसा कि वैसा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस के साइन को अंदर लगा देता हूँ मैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है तो प्लस आ जाएगा, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या होगा माइनस का ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, और हम मैंने अभी बताया था तुमको, अभी रूल बताया था, कोई भी फंक्शन रहा उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, वन का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ क्या आएगा वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तुमको बताने की जरूरत ही नहीं आएगी, ठीक है, तुम समझ चुके होंगे। डायरेक्टली उसका क्या आएगा आंसर, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा क्या, माइनस आएगा, प्लस प्लस लॉग ऑफ प्लस आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस लॉग ऑफ दिस फंक्शन वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा क्या होगा ब्रैकेट क्लोज, फाइनली माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, पी आई हो गया, क्या हो गया पी आई, मतलब पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको अगर अच्छे से लिखना होगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सो देयरफॉर फाइनली पी आई हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस, ठीक है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ई रेस टू जीरो कितना होता है वन, तो क्या हो जाएगा फाइनली वन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ई रेस टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, बेस सेम है ना, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस का साइन आ गया, ठीक है, प्लस अब इसका इसके साथ ई रेस टू एक्स वैसा के वैसा इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, ये फाइनल हमारा क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर हेंस हेंस कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी अप
प्लस पी आर, ठीक है। सी एफ हमने अभी निकाला था, इससे पहले क्या निकाला था हमने, सी एफ निकाला था। सी एफ क्या था हमारे स्टूडेंट्स, ए वाला, ठीक है, क्या था, सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। वही लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू क्या है, फाइनली फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा y इज इक्वल टू सी एफ क्या है, सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये अभी पी आई प्लस पी आई है, तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का वन प्लस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर एग्जांपल्स लाए थे, ठीक है। टोटल 7 एग्जांपल्स थे हमारे, टोटल कितने एग्जांपल्स थे हमारे आज, 7 एग्जांपल्स थे, 7 में से हमने आज 3 एग्जांपल सॉल्व किए, ठीक है। तो इसमें से पहला एग्जांपल सॉल्व किया हमने सबसे पहले, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल सॉल्व किया, देन सेकंड एग्जांपल सॉल्व, ठीक है। इस प्रकार हमारे 3 एग्जांपल कंप्लीट हुए। आई होप तुमको सब समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तुमको भी जो हम मैंने अभी ये होमवर्क दी है, ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, तो इन में भी वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो तुमको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार में थोड़ा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।